हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मार्केट में आखिर हम कह सकते हैं बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो इसकी नीड क्यों पड़ी, तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें ट्री डेटा स्ट्रक्चर में तो ये क्या है, सबसे पहली पॉइंट पे अगर हम बात करें तो एक तरह का एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होता है। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक तो हम लीनियरली डेटा रखते हैं, दूसरी क्या करते हैं अनऑर्डर में रखते हैं, मतलब ग्राफ के फॉर्म में रखते हैं, ट्री के फॉर्म में रखते हैं। तो एक टायर जो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है इसकी एक किस फॉर्म का है, तो इसको हम दो नाम से और जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द प्रीफिक्स ट्री और दूसरा इसका नाम है डिजिटल ट्री। इसको हम प्रीफिक्स ट्री और डिजिटल ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो इस ट्री स्टोर द डेटा एंड ऑर्डर, मतलब ये किसी भी डेटा को एक ऑर्डर में स्टोर करता और एक इफिशियंट वे में स्टोर करता। इस चीज को समझने के लिए अगर हम बात करें, जैसे अगर हमारी कोई ट्री है तो ये क्या करेगा, किसी भी डेटा को एक ऑर्डर में, जैसे डेटा अगर हमने मान लिया कि सम है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, उससे पहले हम बात कर ले तो जो ट्री ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है ये क्या करता है कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, अब सम हमारा क्या है, एक तरह की स्ट्रिंग है। अब इसको सम को एक स्ट्रिंग में स्टोर करने के लिए, अब ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अब हम क्या करेंगे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे यस लिखे, फिर क्या होगा हमारा ओ होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा आगे यम होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा आगे यहाँ पे ई होगा। तो ये एक सीक्वेंस में, यहाँ पे कह रहा है ना कि डेटा इज स्टोर एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में स्टोर करता, तो ये एक ऑर्डर में डेटा को स्टोर कर लिया और ये क्या करता है कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें कि अगली पॉइंट क्या है, तो ईच नोड ऑफ द ट्राई कैन हैव द मेनी ऑफ 26 references या 26 pointers. 26 pointers का मतलब क्या है कि जो try data structure होता है इसमें 26 preferences, जैसे हम जानते हैं कि English में हमारे alphabet कितने होते हैं 26 होते हैं, तो उसी alphabet के हिसाब से हम मानते हैं कि इसमें 26 pointers होते हैं, उस पर बेस्ड वर्क करता है। अब आके बात करें कि आखिर इसका application क्या है, इसका use क्या है, इसको हम use कहाँ पे करते हैं। तो अगर बात करें हम एप्लीकेशन ऑफ ट्राई डेटा स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेल चेकर। स्पेल चेकर क्या है, तो स्पेल चेकर के बारे में अगर बात करें तो स्पेल चेकर एक थ्री स्टेप प्रोसेस है। तो एक थ्री स्टेप प्रोसेस है जो क्या करता है कि फर्स्ट लुक द वर्ड, सबसे पहले क्या करता है किसी भी वर्ड को देखता है इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर किसी वर्ड को देखता है, उसके बाद जनरेट द पॉसिबल सजेशन, जनरेट द पॉसिबल सजेशन मतलब सजेशन देता है, एंड देन सॉर्ट द सजेशन वर्ड विद द डिजायर वर्ड एट द टॉप। उसके बाद डिजायर वर्ड की तरफ हमें क्या करता है टॉप पे सजेशन देता है। जैसे हम क्या करते हैं कि हमने सजेशन, जैसे हम चैटिंग कर रहे हैं तो चैटिंग बॉक्स में क्या होता है कि सबसे पहले जब हम चैटिंग करते हैं तो कुछ वर्ड होते हैं कि अब वो क्या होते हैं ऑटो सजेशन, मतलब जब हम वर्ड को लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था सम, तो हमारा सम क्या है कि एक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर है। जब हम क्या करते हैं टाइप करते हैं यस ओ, तो यस ओ, अब यस ओ से स्टार्ट होने वाले जितने भी लेटर हैं, जितने भी वर्ड हैं, वो क्या होते हैं हमें शो होने लगते हैं, मतलब सजेशन हमें आने लगता है। तो कैसे आता है, वो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से आता है। तो जब हमें इसका सजेशन मिलता है, तो सजेशन मिलता है तो ऐसा होता है कि जब हम वर्ड को लिखते हैं तो एक ऐसा टाइम भी आता है कि सॉर्ट करके जो सजेशन वर्ड है उसको डिजायर वर्ड एट द टॉप, उसको टॉप पे दिखाता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ जो हम मैं लिखना चाह रहा हूं वो वर्ड यही है। तो अभी हम देखेंगे इसके डायग्राम के हिसाब से कि ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हो गया स्पेल चेकर, मतलब स्पेलिंग को हम चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग को यूज मतलब किसी भी वर्ड को जब हम लिखते हैं तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आगे बात एक अगर हम आगे बात करें तो ऑटो कंप्लीटेड, आप ऑटो कंप्लीटेड का मतलब क्या है कि ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या है कि
ऑटो कंप्लीट फंक्शनैलिटी इज द वाइडली यूज्ड टू टेक्स्ट एडिटर। जैसे टेक्स्ट एडिटर होता है, मोबाइल के एप्लीकेशन होते हैं, उसमें क्या होता है, इंटरनेट क्या करता है कि जो भी है एंड इंटरनेट इट्स प्रोवाइड द सिंपल वे फाइंड द अल्टरनेटिव वर्ड टू कंप्लीट द वर्ड द फॉलोइंग। तो मतलब क्या कहता है कि वर्ड क्या होते हैं हमारे ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे हम कोई सजेशन करते हैं गूगल के ऊपर, जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हमें सजेशंस आते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि इट्स प्रोवाइड एन अल्फाबेटिक फिल्टर एंड एंटर। तो ये क्या करता है, एक तरह का अल्फाबेटिक फिल्टर को प्रोवाइड करता है, जो अल्फाबेट को फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, वी ट्रैक पॉइंट पॉइंटर्स। ये पॉइंटर के जरिए क्या करता है, ट्रैक ट्रेस करता है सबको, ओनली टू गेट द नोट एंड रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग एंटायर बाय द यूजर। जो भी यूजर उस स्ट्रिंग से रिलेटेड चीजों को सर्च करना चाहता है, एज सून योर स्टार्ट टाइपिंग, जब हम क्या करते हैं टाइपिंग को स्टार्ट करते हैं, तो इस ट्राई टू कंप्लीट योर इनपुट, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको कंप्लीट कर देता है। जैसे हमने अभी बताया कि जैसे हम अगर सम लिख रहे थे, यस ओ लिखेंगे, तब तक यस ओ से स्टार्ट होने वाले जितने भी लेटर होंगे वो हमें क्या होते हैं, सजेशन उनका आने लगता है कि आखिर आप किस वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब आगे बात करें अगर ब्राउजर हिस्ट्री, तो ये ब्राउजर हिस्ट्री में भी वर्क करता है। ब्राउजर हिस्ट्री में कैसे वर्क करता है, इट इज आल्सो यूज्ड टू कंप्लीट करता है जो हमारे यूआरएल ब्राउजर होते हैं। उसके बाद द ब्राउजर कीप्स ए हिस्ट्री, वो हिस्ट्री किस तरह से रखता है कि जो वेबसाइट पे विजिट करता है उसको स्टोर करते जाता है जिन जिन स्ट्रिंग को, मतलब आप जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए, आप वहां पे क्या सर्च किया, www.google.com। जब आपने वहां पे www.google.com सर्च किया तो उसको उसने क्या किया, वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में जाके वहां पे स्टोर हो गई। जब आप अगली बार जैसे ही जी लिखोगे, जी ओ, वो गूगल को तुरंत सजेशन करेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे ऑटो फील्ड हो जाएगा। अब इस चीज को समझते हैं एग्जांपल और डायग्राम से, तो ज्यादा हमको समझ में आने वाला है। तो इस चीज को देखते हैं हम एक डायग्राम से। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक हमारा डायग्राम है। दूसरी चीज क्या होती है, इसका जो भी रूट नोड होता है हमेशा नल होता है। अब आगे बात करें, वर्ड हमारे पास कुछ इस फॉर्म से है, जैसे कैट हो गया, कार हो गया, डॉग हो गया, पिक हो गया, पिकलेट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास कुछ वर्ड है। तो क्या कर रहा है कि जैसे कार के, मतलब कार हो गया कैट, ठीक है, तो सी ए हो गया, बाद में इसमें टी आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, तो ये यहां तक वर्ड जैसे सेम चलने वाला है, यहां तक सी ए है। अब इसमें क्या हो गया, टी आया तो हमें इधर चले जाना है, आर आया तो इधर चले जाना, ठीक है। जैसे अब डॉग में अगर हम देखें तो डी ओ जी, इससे एक ही रिलेटेड वर्ड बन रहा है। अब यहां पे पिकर, जैसे यहां पे अगर इसको पिक चाहिए, अगर हमें पिक करना, पी आई सी और यहाँ पे क्या है के, तो पिक यहां तक उठाएगा। अगर पिकलेट को उठाना है तो हमें और नीचे तक जाना पड़ेगा, मतलब पूरा पिकलेट ले तो यहां पर जाना पड़ेगा। जैसे इस चीज को अगर हम समझें यहां पे, तो जैसे क्या होता है कि डिक्शनरी के अंदर जैसे हमने यहां पे क्या लिया, सी है, तो जब हमने सी टाइप किया, ठीक है, सी टाइप किया, ए टाइप किया, तो सजेशन क्या हमें देगा, कैट का देगा। मान लो अभी डिक्शनरी में हमारे दो चीजें हैं और सी ए आर का दिया, कार का दिया, दो चीजों को सजेशन करेगा, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सी, अगर आप सिर्फ सी टाइप करते हैं तो ये दो चीज तीनों दिखाएगा, सी ए आर और यहां पे दिखाएगा सी ए टी, आप किसको सेलेक्ट, क्योंकि जब हमने सी को टाइप किया तो ये आगे वाले वर्ड को सजेस्ट करने लगता है, स्पेलिंग इस तरह से चेक करता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से वर्क करता है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें कि जैसे यहां पर इसने लिया है पिक और पिकले, तो पिघले का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि पी हमने सर्च किया तो दोनों वर्ड को सजेस्ट करने लगेगा, इसको और इसको, फिर हमने पी किया, पी आई किया, फिर भी वही करेगा, सी किया, के कर दिया, तो फिर उसके आगे वाला वर्ड को ए फिर यहाँ पे करेगा। जैसे इससे हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि एक ही रो में एक ही से रिलेटेड वर्ड, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड, मतलब दो तरह के वर्ड एक ही, मतलब शुरू में तो वर्ड एक ही, जैसे एक नाम से स्टार्ट होने वाले वर्ड है। आगे इस चीज को हम और भी बहुत डीपली में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइज़।